दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने की जद्दोजहद में आखिरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डीजल वाहनों पर कड़ा फरमान सुनाया है। एनजीटी ने 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन खत्म करने का आदेश दिया है। यानी अब दिल्ली की सड़कों पर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां नहीं दौड़ पाएंगी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। दिल्ली की डीजल गाड़ियों पर गिरी काज। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली में अब नहीं चलेंगी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां। राजधानी में दिन ब दिन बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने बड़ा फैसला सुनाया है। एनजीटी ने आरटीओ यानी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन खत्म करने का आदेश दिया है और साथ ही इस पर तत्काल अमल करने को भी कहा। आरटीओ जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म करेगा उनकी लिस्ट ट्रैफिक पुलिस को सौंपी जाएगी। इस आदेश में ट्रकों को राहत दी गई है। हालांकि प्रदूषण फैलाने वाले कारणों में डीजल वाहन अधिक हैं और इनमें सबसे ज्यादा धुआं ट्रकों से फैलता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एनजीटी ने 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगाई थी, लेकिन भारी विरोध के चलते इस फैसले पर रोक लगानी पड़ी। आइए आपको बताते हैं कि एनजीटी ने क्या निर्देश दिए हैं और डीजल गाड़ियों से निकले प्रदूषण के आंकड़े क्या कहते हैं। डीजल गाड़ियों के साथ साथ एनजीटी ने वाहनों पर बाहर से हॉर्न लगाए जाने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि इस नियम के दायरे में दो पहिया वाहन भी शामिल किए गए हैं। बहरहाल एनजीटी के इन सख्त निर्देशों के बाद अब ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। धूल और कूड़ा जलाना प्रदूषण का मुख्य कारण है, जिस पर एनजीटी ने पहले से जारी किए गए निर्देशों पर संबंधित विभागों से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने पूछा कि जब डीजल वाहन पेट्रोल वाहन की तुलना में महंगे हैं तो आखिर इन पर रोक लगाने में क्या परेशानी है। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती डीजल गाड़ियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली को प्रदूषित करने में कारों की हिस्सेदारी 1/4 है। सड़कों पर दौड़ रही करीब 23 लाख कारों से वायु प्रदूषण की हिस्सेदारी 22% है। दिल्ली में कुल रजिस्टर्ड होने वाली कारों में 23% डीजल कारें हैं। दिल्ली में कुल डीजल कारों की संख्या 6 लाख से अधिक है। राजधानी में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों की संख्या 1,18,773 है। 10 साल से ज्यादा पुराने व्यावसायिक डीजल वाहनों की संख्या 34,659 है। एनजीटी के इस कदम को जहां उम्मीद भरी नजरों से देखा जा रहा है, तो वहीं लोगों के मन में शंकाएं हैं कि क्या वाकई में दिल्ली की सड़कों से 10 साल पुरानी गाड़ियों को हटाने से प्रदूषण में कमी आएगी। देखते रहिए डीबी लाइव।